शर्मा, भले ये शतक से हर बारी चूक जा रहे हो, लेकिन एक जो इम्पैक्ट चाहिए होता है, एक शुरुआत के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, जो गियर चाहिए होता है मैच में, रोहित शर्मा बखूबी करके देते। क्या कुछ रोहित शर्मा ने एक बार फिर से कर दिया है जो जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों उनको हिटमैन कहा जाता है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मुंबई के वानखेड़े, ऐतिहासिक वानखेड़े मैदान में सेमीफाइनल्स वन खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करी और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया की हुई। क्यों? क्योंकि भैया रोहितमैन शर्मा जब आपके सामने हो तो सामने वाली टीम 3 से 4 बार सोचती है, फिर चाहे ट्रेंट बोल्ट आ जाए, फिर चाहे मिचेल सेंटनर आ जाए, हर कोई उनके सामने पानी भरता हुआ नजर आता है। ऐसा ही कुछ हुआ शुरुआत में, क्योंकि रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी शुरुआत दे दी थी। 29 गेंदों में 47 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 4 चौके 4 छक्के उन्होंने जमाए, 162 के अराउंड के स्ट्राइक रेट से उन्होंने परफॉर्म किया और गजब परफॉर्म किया। मतलब अपना जो काम था वो रोहित शर्मा बखूबी करके चले गए इस मैच में। आपको बता दें रोहित शर्मा ने इस मैच में एक गजब का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। दरअसल रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के लगा लिए हैं, साथ ही साथ एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगा लिए हैं। उन्होंने क्रिस गेल द यूनिवर्स बॉस को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए आपको बताते हैं बिना देरी करते हुए कि और कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको रो द सुपर हिट शर्मा ने पीछे छोड़ा है। देखिए मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स, रोहित शर्मा के नाम अब 51 छक्के हो चुके हैं। उसके बाद क्रिस गेल की बारी आती है, 49 सिक्सेस इनके नाम है। ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो के नाम 43 सिक्सेस हैं। एबडी विलियर्स मिस्टर 360 के नाम वर्ल्ड कप्स में 37 सिक्सेस हैं ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। उसके बाद डेविड द एक्सप्लोसिव वार्नर के नाम 37 सिक्सेस हैं ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। तो देखा आपने ओडीआई वर्ल्ड कप्स में 51 का शगुन रो द सुपरहिट शर्मा लगा चुके हैं, और भले ही शतक से चूक जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी खेल जा रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का काम कर रहे हैं, नई गेंद से कमाल कर रहे हैं, अपनी टीम को लगातार जिता रहे हैं, बतौर कप्तान एक बेमिसाल बढ़िया तरीके से मिसाल कायम भी कर रहे हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए रोहित शर्मा के ये सिक्सेस का रिकॉर्ड और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी आपको।